A minor tribal girl was targeted by two youths during a wedding ceremony, who allegedly forced her to consume alcohol and then raped her by stuffing cloth in her mouth in Jashpur district. The girl is under trauma and has identified two of the accused while undergoing treatment. हम लोग शादी देखने गए वहाँ पे एक लड़की लेटी थी सो के और एकदम उल्टी फुल्टी की थी शायद हो सकता है नशे की हालत में थी होगी फिर इसको वाल्मीकि नाम का लड़का बोला यार मेरा पड़ोसी है इसको ले जाता हूँ घर तो हम लोग उसको मतलब पवा दे बोला फिर उसको पवा दिए फिर उसको उठा के घर ले लाया हम लोग भी साथ में आ गए उसके साथ में नहीं किए हैं सर हम लोग गलत हम लोग का वो मेडिकल होना चाहिए कोई गलत नहीं किए हैं लेकिन हम लोग नहीं किए हैं वो जबरदस्त बोल रही है लेकिन हम लोग नहीं किए हैं तो क्या घटना हुआ था उस दिन शाम टाइम पानी गिरने के बाद वो लड़की वहाँ पे शादी घर के पास सोई थी हम लोग शादी देखने जा रहे थे और फिर वहाँ पे देखे कि लड़की उल्टी फुल्टी करके सोई थी उसके बाद क्या हुआ वो बोली कि हम लोग का पड़ोस का लड़की है उठा के ले जाते हैं तो हम लोग बोले मत ले भाई गंदा है अभी लड़की तो नहीं मैं पा के ले जाऊँगा फिर उसको हम लोग पवा दिए फिर उसके बाद हम लोग आगे साथ साथ कौन पाके ले गए वो मिकी वाल्मीकि बोलते हैं वो फिर साथ साथ आगे फिर कुछ नहीं किए हम लोग उसके घर छोड़ के हम लोग घर चले गए Reportedly, when the girl went outside to wash hands, the two accused Dholi and Fakhal approached her and dragged her into darkness to a location about 300 meters away. The duo forced her to consume alcohol and gang raped her after stuffing cloth in her mouth to prevent her from screaming. हमको ये सूचना मिली कि एक नाबालिग बालिका जो अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई हुई थी उसके साथ गैंग रेप हुआ है घर के और बच्ची जब खाना खा के हाथ धोने के लिए बाड़ी की तरफ गई तो दो लड़के उठा उसके चेहरे पे कपड़ा बांध के और मुंह बंद करके उसको जंगल की तरफ ले जाके अनाचार किए हैं उसके साथ में क्या कार्रवाई की गई इसमें अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है